जय बजरंग बली। कैसे हैं दोस्तों? आइए आपको आज ले चलते हैं सिविल लाइन्स वाले बजरंग बली का दर्शन कराने के लिए। सिविल लाइन्स में खड़े हुए हमारे हनुमान जी हैं, आज उनका दर्शन कराते हैं आपको। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए आज इतनी भीड़ है। बुढ़वा मंगलवार ज्येष्ठ मास के मंगलवार को कहते हैं और कल पहला मंगलवार था तो इस दिन बहुत भीड़ थी मंदिर में। पहले ज्येष्ठ मास के पहले मंगलवार को बुढ़वा मंगलवार कहते हैं। पांच मंगलवार पड़ने वाला है जिसमें आप दर्शन कर सकते हैं बजरंग बली के। तो ये है सिविल लाइन्स का मंदिर जिसमें इधर साइड में महादेव जी के शिवलिंग बने हुए हैं और ये भीड़ आप देख सकते हैं, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। तो आइए, हम लोग ने भी प्रसाद ले लिया और चलते हैं बजरंग बली का दर्शन करते हैं और आप भी आइए हमारे साथ। देखिए दोनों तरफ लोग बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। जब आप सिविल लाइन्स आइए तो यहाँ बैठने की पूरी जगह है और बैठ के हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। तो आराम से बैठिए और पाठ करिए और दर्शन करिए बजरंग बली का। बजरंग बली सब पे कृपा बनाए रखें और कहते हैं कि कलयुग में बजरंग बली हैं जो साक्षात हैं अभी भी और हर हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। तो हम लोग भीड़ से निकलते हुए सामने पहुँचे और अपना प्रसाद दिया पुजारी जी को। पुजारी जी ने हमारा प्रसाद चढ़ाया और हम लोग प्रसाद लेके फिर दोनों तरफ देखे। बाईं तरफ में बजरंग बली के बाईं तरफ ये दुर्गा जी की मूर्ति बनी हुई है और दूसरी तरफ भी हम लोग जाके देखेंगे अभी कि दूसरी तरफ क्या है। तो हम वहाँ से निकले दुर्गा जी का दर्शन करके और दूसरी तरफ पहुँचे तो वहाँ पे राम जी का, लक्ष्मण जी का और सीता जी की मूर्ति लगी हुई है। तो आप दोनों तरफ दर्शन करिए, बजरंग बली का भी दर्शन करिए और राम जी का, सीता जी का दर्शन करिए, दुर्गा जी हैं उनका दर्शन करिए। और यहाँ से जब आप निकलेंगे तो आप बगल में जो महादेव जी का मंदिर बना हुआ है इसमें शिवलिंग बने हुए हैं, लाइन से ही 12 ज्योतिर्लिंग हैं और सावन के महीने में बहुत भीड़ होती है और हर इंसान चाहता है कि हम महादेव जी को जल चढ़ा लें। इतनी भीड़ में मुश्किल लग रहा था कि हम लोग पूजा कर पाएँ लेकिन इधर थोड़ा सा खाली था तो हम लोग किए, प्रणाम किए। थोड़ी जल्दी भी थी हमें निकलने की तो हम लोग महादेव जी का दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा। आप सिविल लाइन जाएँ तो आप दर्शन करें, बजरंग बली का दर्शन करें, महादेव जी का दर्शन करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।